हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शिवम टीवी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप जो है पहेली कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जाना है गूगल में और आपको यहाँ सर्च करना है उस आदमी का नाम जिसे आप पहेली में लेना चाहते हैं। तो आपको उस आदमी का नाम सर्च करना है, तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ मोटू, MOTU। दोस्तों आपको जो है उस आदमी की का एक स्क्रीन शॉट ले लेना है और पिक्स आर्ट में आपको एक ऐप दूसरी वीडियो में बताऊंगा, उससे आपको उसका PNG इमेज बना लेना है। और आपको जाना है इमेज पे, तो मैं एक सेटिंग ऑन करना दोस्तों भूल गया। तो आपको आपको जाना है इमेज में, दिखा देता हूँ दोस्तों। ये वाला इमेज, इसी पे क्लिक करना है। और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों। तो दोस्तों पिक्सआर्ट का मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अब आपको सिंपली आपको जाना है प्ले स्टोर में दोस्तों, पिक्सआर्ट का मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले आपको यहाँ सर्च करना है काइन मास्टर, KINEMASTER। और आप देख सकते हैं काइन मास्टर प्रो वीडियो एडिटर, इसी को आपको इंस्टॉल करना है दोस्तों और कोई इंस्टॉल नहीं करना है। तो पहले से मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस तरह का इंटरफेस हो देखेगा। आपको रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक करना है दोस्तों। तो क्या है, ये कुछ मिनट का ऐसा ही आता है टाइम, और अगर इसे आप कैंसिल करना है तो रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक करके कैंसिल कर दीजिए। और अब हमें जो है इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है, तो हमें सिंपली क्या करना है, इस प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको ये जो है पहले वाले को चुन लेना है। तो दोस्तों इस तरह से फिर इंटरफेस दिखेगा। और आपको सिंपली क्या करना है, कोई हमें जो है वो चाहिए बैकग्राउंड, तो हमें मीडिया पे जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको दिखेगा बैक, मतलब सॉरी दोस्तों एक ऑप्शन आ चुका है, टिक कर देता हूँ। आपको दिख रहा है यहाँ बैकग्राउंड, ये वाला दोस्तों इसे पे आपको क्लिक कर देना है। तो इसमें से आपको कोई बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है, जैसे मैं ले लेता हूँ ये
किसी भी बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए और आपको ऊपर टिक का ऑप्शन जो दिख रहा है इसी पे क्लिक कीजिए, टिक के ऑप्शन पे, और देख सकते हैं दोस्तों आपका बैकग्राउंड यहाँ आ चुका है। अब दोस्तों आपको जो है किसी इंसान को इस बैकग्राउंड पे डालना है तो आपको जो है मीडिया पर नहीं जाना है दोस्तों, आपको इस बार जाना है लेयर पे। मीडिया पे क्या होगा दोस्तों, वो इंसान पीएनजी इमेज जो होगा नहीं होगा, तो लेयर पे क्लिक करना है। मतलब मीडिया पे अगर आप जाएंगे तो दोस्तों वो जो है इंसान जो है बैकग्राउंड पे नहीं आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, अब इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको फोटो जो है आपको जाना है कैमरा के ऑप्शन में। कैमरा के ऑप्शन देख रहे हैं आप, इसी पर क्लिक कीजिए दोस्तों और कोई फोटो सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों अभी तो इसमें कोई पीएनजी इमेज नहीं है तो मैं तो बस अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ बस। दोस्तों ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। ये पीएनजी इमेज मैंने नहीं बनाई थी इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई दोस्तों। तो आपको सिंपली क्या करना है, फिर से इस टिक के निशान पर क्लिक कर देना है और अब जो है आपको समझ लीजिए कोई वॉइस डालना है। मतलब पहले मैं अगर आपको कोई म्यूज़िक डालना है तो ऑडियो का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी पे क्लिक कर लीजिए और कोई म्यूज़िक सेलेक्ट कर लीजिए। आपके सारे म्यूजिक्स यहाँ आ जाएंगे, तो रिकॉर्ड पे भी आप जा सकते हैं, ये सब पे जा सकते हैं। तो अभी हम मैं टिक कर देता हूँ। तो अब हमें अपनी डालनी है वॉइस, तो वॉइस हमें डालनी है तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, वॉइस के निशान पे। हाँ दोस्तों एक बात मैं भूल ही गया, आपको सिंपली क्या करना है, इसे फुल कर देना है ताकि ये हमेशा बैकग्राउंड पर रहे, वरना दोस्तों एक बात फिर बैकग्राउंड में आ जाएगा। तो मैं अभी जाता हूँ दोस्तों और ये मैं थोड़ा सा अब आपको फिर से टिक के निशान पे क्लिक कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों अब हमें वॉइस डालनी है तो सिंपली हमें वॉइस के निशान पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्टार्ट का बटन दिख रहा है वो इसी पे क्लिक कीजिए और फिर स्टॉप के बटन पे क्लिक कीजिए। दोस्तों स्टॉप का एक बटन आ जाएगा। तो दोस्तों क्या है दोस्तों, अगर मैं अभी रिकॉर्ड करूँगा तो वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एंड में ये बता दूँगा। तो अब हमें टिक के निशान पे क्लिक करना है, इस मतलब अब हमें साथ टिक का निशान आ जाएगा जब हम रिकॉर्ड कर लेंगे दोस्तों। तो हम अभी प्लस के निशान पर क्लिक करते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, इस पॉज के निशान पे इस निशान पर क्लिक कर देना है, इससे आप वीडियो को सेव कर लेंगे दोस्तों। और दोस्तों मैंने एक बात आपको नहीं बताई कि आपको टेक्स्ट कैसे लिखना है। तो पहले आपको लेयर पे जाना है और आपको लेयर पे जाने के बाद आपको यहाँ टिक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी पे क्लिक कर देना है और आपका जो मन करे वो टेक्स्ट लिख दीजिए और फिर आपको ओके के बटन पे क्लिक कर देना है दोस्तों, इस वाले ओके पे क्लिक कर देना है। तो अभी तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब हम वापस जाते हैं, अब जो है हमारी वीडियो ये रही, अब क्या है ये रही हमारी वीडियो दोस्तों। तो हमें इसी पे क्लिक कर देना है, सेव अभी तो नहीं हुई दोस्तों गैलरी में, लेकिन
मैं आपको ये भी बता देता हूँ कैसे करना है। तो मैं ये इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, फिर इस बटन को जो आप देख रहे हैं इससे आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं, इस बटन से आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं, और इस बटन से आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए दोस्तों आपको सेव करना पड़ेगा, इस बटन पर क्लिक करके आप जो है वीडियो को जो है वो नहीं दोस्तों, ये किसी काम का नहीं है, ये हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, तो ये किसी काम का नहीं है। हाँ तो ये हम यूज़ करेंगे, इससे हम वीडियो को डिलीट कर सकते हैं। तो हम सिंपली जो है शेयर वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं, ये मैं शेयर कर देता अनटिड। अब आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, तो अब आपको सिंपली क्या करना है, एक्सपर्ट पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा देर वेट करना है दोस्तों, वीडियो सेव जो है होगी। तो दोस्तों आप इस तरह के इंटरफेस पहुंच जाएंगे, और आपको क्या करना है, नो थैंक्स विद वाटर मार्क पे क्लिक कर देना है। अब ये देख सकते हैं आपकी वीडियो अभी सेव हो रही है, तो मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ दोस्तों, मेरे को अभी ये वीडियो सेव नहीं करनी क्योंकि पहले से ये मोबाइल हैंग हो रहा है। तो अब दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ मैं वॉइस डाल सकूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बोल देता हूँ। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को जो है लाइक नहीं किया तो जल्दी कीजिए, शेयर नहीं किया तो जल्दी कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो अब मैं वॉइस पे क्लिक कर देता हूँ। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शिवम टीवी। दोस्तों एक प्रॉब्लम हो गई दोस्तों, कि प्रॉब्लम ये है कि वो जो है मैंने इसे जो है बड़ा नहीं किया था, अगर मैं इसे बड़ा कर देता तो वॉइस भी बड़ी आती, कि वो जो है हम अगर इसे बड़े करते तो क्या होता दोस्तों, जितना मुझे बोलना था वो पूरा आता वॉइस। तो आप देख सकते हैं कितना आया है छोटा सा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों वो क्या है, मैंने इसे ज़्यादा बड़ा नहीं किया था तो इसलिए वॉइस भी बड़ी नहीं आई। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इसे बड़ा करना है तो आपको दोनों को बड़ा करना पड़ेगा। तो अगर आप बैकग्राउंड अब लास्ट में अकेले चाहते हैं तो आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और उसे ज़्यादा बड़ा कर देना है, देख सकते हैं, मतलब बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और इसे थोड़ा सा आगे ले जाना है जिससे बैकग्राउंड आगे जाएगा। और अब मुझे समझ लीजिए, अपने फ़ोटो को बैकग्राउंड के साथ भी ले जाना है। तो अब तो ये हो गया टिक का ऑप्शन, फिर ऊपर फिर से आ रहा है, तो आप कैसे पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैं बैकग्राउंड में आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं कैसे वीडियो है। अभी दोस्तों मैंने वॉइस नहीं डाली, लेकिन दोस्तों अगर आप करेंगे तो आप अच्छी वीडियो बना पाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और कमेंट जरूर करें, धन्यवाद। और हाँ, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के बारे में मैं
अगली वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।